अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू कंप्यूटर टुडे चैप्टर नंबर है आपका 8 इंट्रोडक्शन टू विंडो 7। ठीक है, कंप्यूटर में विंडो होती है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे विंडो 7 में। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी एक किस्म होती है। डेट मैनेजेस एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर के काम को और तरीके को जो भी होता है उसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। मोस्ट कंप्यूटर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो मौजूद होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में की तौर पर काम करती है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में लर्न करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट्स, डेस्कटॉप और उसके पार्ट्स के बारे में। व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, इट स्टार्ट्स बूटिंग, तो उसमें एक बूटिंग का अमल शुरू हो जाता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बूटिंग, जब ये प्रोसेस खत्म होता है, द डेस्कटॉप अपीयर, तो एक आपके सामने डेस्कटॉप नजर आ जाता है ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर इस तरह की जो शेप होती है वो नजर आती है, ऐसी स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। लुक एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द विंडो डेस्कटॉप, आप विंडो डेस्कटॉप के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके के आइकन्स आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में देखे होंगे। ये आइकन्स हैं, ये सबसे छोटे नीचे जो बटन होता है टास्क बार पे, यह स्टार्ट बटन होता है, इस वाली बार को कहते हैं टास्क बार। ठीक है, और ये जो है वो आपकी पूरी स्क्रीन, इसका नाम है डेस्कटॉप, और जो इसकी बैक, इसकी जो तस्वीर है इसको नाम है बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और इसमें क्लॉक है, कैलेंडर है, और ये आपकी चॉइस है, अगर आप इसके ऊपर शो करवाना चाहें तो इसको गैजेट कहते हैं। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट ईच पार्ट, अब हर हिस्से के बारे में अलग अलग हम पढ़ते जाएंगे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द विंडो डेस्कटॉप, जो बैकग्राउंड जो पीछे की तरफ की जो तस्वीर है डेस्कटॉप के, उसको कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इट इज कॉल्ड वॉल पेपर, और इसको हम वॉल पेपर भी कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स पर या तो इस तरह का वॉल पेपर लगाते हैं, या अपनी कोई अपनी ही कोई तस्वीर, या फिर फूलों की, या जो भी आप चाहते हैं वो फोटो इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप जैसे मोबाइल के ऊपर अपने वॉलपेपर चेंज करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी बैकग्राउंड जो है वॉलपेपर चेंज किया जा सकता है। आइकन्स, आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर प्रेजेंटली प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, जो कि आपके डेस्कटॉप में मौजूद होते हैं। एन आइकन रिप्रेजेंट ऑल प्रोग्राम और फाइल, जो कि सारे प्रोग्राम और फाइल को शो करते हैं। आप अपने मोबाइल की एग्जांपल ले लीजिए, आजकल मोबाइल सब बच्चे यूज करते हैं घरों में, तो मोबाइल में आपका यूट्यूब का आइकन बना होता है छोटा सा, और आपका उसके ऊपर आप जब मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हैं तो आपका पीछे अपनी पिक्चर लगाई होती है, वो आपकी वॉलपेपर हो गई। जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको आप डेस्कटॉप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वो वॉलपेपर शो करता है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे आइकन बने हैं जिसमें आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या आपकी गेम्स जो होती हैं वो सारे क्या हैं, वो आइकन्स हैं। ठीक है, जिनमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं या फाइलें मौजूद होती हैं, गैलरी होती है आपकी। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर में भी ये आइकन्स होते हैं जिनको डेस्कटॉप आइकन कहा जाता है। उसमें सबसे पहला आइकन है द कंप्यूटर। कंप्यूटर आइकन रिप्रेजेंट ऑल द हार्ड डिस्क ड्राइव सेव फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, सारी हार्ड डिस्क ड्राइव को शो करता है, फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं इसके अंदर। डबल क्लिक ऑन एन आइकन, अगर हम इस आइकन के ऊपर माउस से डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। यू कैन ओपन ड्राइव्स, हम उनको ड्राइव्स को भी ओपन कर सकते हैं, फाइल्स को, फोल्डर्स को, इट बाय द डबल क्लिकिंग ऑन देयर आइकन। ठीक है, अब फिर जब इनके ओपन कर लेंगे तो उस पर भी डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास चीज सामने ओपन हो जाएगी। द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का क्या मतलब है, आइकन रिप्रेजेंट ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर, इट एक्ट एज अ डस्टबिन फॉर योर कंप्यूटर। रिसाइकल बिन एक तरह से आपके कंप्यूटर की डस्टबिन के तौर पर काम करती है। एक्स्ट्रा चीजें जो आपने आपके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप उसको डस्टबिन में डाल देते हैं ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जो चीजें आपके यूजलेस हो जाती हैं, आपके इस्तेमाल के मुताबिक नहीं होती, जो आप डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट होकर वो कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकल बिन में। यू कैन गेट योर डिलीटेड फाइल्स बैक, इसका मतलब इससे ये फायदा होता है कि रिसाइकल बिन से आप अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है या अपनी पुरानी फाइल दोबारा से देखना चाह रहे हैं, तो
तो आप उसको दोबारा रिसाइकिल बिन से ओपन रीसेव कर सकते हैं, तो वो ओपन हो जाएगी। बट वंस अ फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम रिसाइकिल बिन, और अगर आप रिसाइकिल बिन से भी अपनी कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो फिर वो वापस रिकवर नहीं हो सकती, वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपने उसको रिसाइकिल बिन से दोबारा रिस्टोर करना है तो वो दोबारा आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, ठीक है। और अगर रिसाइकिल बिन से हम डिलीट कर देंगे तो वो दोबारा से सेव नहीं होगी। गेट गेट, ठीक है। गेट गेट्स आर द स्मॉल प्रोग्राम्स ऑफ द विंडो, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड फन टू यूज, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और थोड़ी सी एक्टिविटीज भी देते हैं। यू कैन चूज टू कीप ऑन योर डेस्कटॉप, आप इनमें से कोई सा भी गेट गेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके राइट साइड पर होता है स्क्रीन की, यू कैन मूव दैट इन एवरीवेयर, इनको आप कहीं भी उठाकर मूव करवा सकते हैं स्क्रीन की, जिनमें क्लॉक है, कैलेंडर है, पिक्चर पजल है, ठीक है। ये पिक्चर पजल भी आप लोग खेल सकते हैं। वेदर का फोरकास्टिंग है, इसमें आपको मौसम की सूरत हाल वगैरह शो हो जाती है जब आपका नेट कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक टास्क बार। द लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। टास्क बार आपको इधर यहाँ दिखा दी, लेकिन ये डेस्कटॉप पे सबसे नीचे मौजूद होती है। उस पर कौन कौन से बटन होते हैं, एक स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च आइकन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है, सिस्टम क्लॉक होता है आपके पास, या शो डेस्कटॉप बटन होता है, ठीक है। ये इसके पार्ट है। नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, इन द नोटिफिकेशन एरिया जो आपको फिगर में दिखाया गया है, यू कैन व्यू प्रोग्राम एंड टास्क दैट आर रनिंग इन द बैकग्राउंड। जो आपके प्रोग्राम्स ऑन हो रहे होते हैं उन सबको वो शो करवाता रहता है आपको। यू कैन ऑल्सो व्यू इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ योर कंप्यूटर, और आप अपने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट मैसेज को भी देख सकते हैं। सिस्टम क्लॉक, द सिस्टम क्लॉक डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। सिस्टम क्लॉक में आप अगर अपना टाइम वगैरह सेट कर दें, मैनेज कर दें इसके अंदर, तो वो आपको टाइमर सेट जो है, टाइम और डेट जो है वो बिल्कुल सही से शो करवाता है, किस टाइम ये काम, आप जिस टाइम कंप्यूटर पे बैठे हैं वो आपको वो टाइम और डेट शो करवा देगा। न्यू डेस्कटॉप बटन, न्यू शो डेस्कटॉप बटन में क्या होता है, द शो डेस्कटॉप बटन इज ऑन द राइट कॉर्नर, ये हमारी राइट साइड पर होता है। दिस इज द स्टार्ट बटन, ठीक है। क्लिकिंग ऑन दिस बटन मिनिमाइज एंड ओपन प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप, ठीक है। जो कि आपके डेस्कटॉप पर डिस्प्ले होते हैं प्रोग्राम, उनको आप ओपन या मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सारे बटन शो करवाता है। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में क्या होता है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक पेज जो है वो ओपन हो जाता है। इसमें सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो सेव हुए हुए प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इनमें से आप जो भी ओपन करेंगे, एसेसरीज पे जाएंगे तो एसेसरीज ओपन हो जाएंगी, और फिर आगे आपके प्रोग्राम्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्लिक ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के प्रोग्राम शो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यू कैन गो बैक टू द स्टार्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग और ना बैक ऑप्शन, बैक से हम वापस भी जा सकते हैं। और इसी पर आपको शट डाउन बटन भी शो हो रहा है, ये देखिए, यहाँ से हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। जब हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं तो ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं तो हम ऑल प्रोग्राम्स में चले जाते हैं, या पेंट ओपन करना चाहें, वर्ड, ठीक है, जो भी चीज़ इसमें से ओपन करना चाहें यहाँ से करेंगे। और जब हम कंप्यूटर को अगर शट डाउन करना चाहें तो भी हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से शट डाउन का बटन क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। क्विक लॉन्च आइकन, क्विक लॉन्च आइकन से क्या होता है, क्विक लॉन्च आइकन आर यूज टू ओपन प्रोग्राम क्विकली, ठीक है, आपके प्रोग्राम्स को जल्दी से ओपन कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। यू कैन ऐड एनी प्रोग्राम फ्रॉम अ स्टार्ट और ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू टू द टास्क बार एज अ क्विक लॉन्च आइकन बाय द फॉलोइंग द स्टेप डिस्क्राइबिंग फिगर। जैसे आपको इस फिगर में स्टेप्स दिखाए, सबसे पहले ओपन स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे प्रोग्राम पे, आप इनको क्विक उसमें बार में ऐड करना चाहते हैं, सिलेक्ट द पिन टू टास्क बार ऑप्शन, ठीक है। ये देखें, पिन टू टास्क बार ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर क्विक लॉन्च आइकन में यहाँ पर शो होने लगेगा। तो हमें पूरा स्टार्ट मेन्यू को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहीं से अपना प्रोग्राम ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट कीज होती हैं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रोग्राम जो है वो खुल जाएगा और आप जल्दी जल्दी अपना काम कर लेंगे। इसके बाद है, यू कैन आल्सो
drag any program icon from start menu or from the list or in all programs and drop it on the taskbar as a quick icon. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, program icon appear on a taskbar, तो program icon आपकी taskbar पर show होने लगेगा. Click on the quick launch icon into open the program. फिर आप इसी icon को ओपन करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आइकन ओपन हो जाएगा. यू कैन मिनिमाइज एंड ओपन प्रोग्राम बाय क्लिकिंग द आइकन. फिर आप ये वाला आइकन आपके प्रोग्राम पे शो होगा, मिनिमाइज बटन. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा. और जब इसी पे नीचे जब टास्क बार में आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा. देखिए इस तरीके से छोटा सा एक प्रोग्राम शो है, ये मिनिमाइज हुआ है. इस टाइम जब आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पूरी स्क्रीन पर नजर आने लगेगा. जब इसको हम मिनिमाइज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा. व्हेन यू होल्ड द माउस पॉइंटर ओवर अ क्विक लॉन्च बटन यू कैन सी द स्मॉल पॉप अंडर रेक्टेंगुलर शेप ओपन द प्रोग्राम. ठीक है, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में आपको नजर आएगी. फिर जब आप इसमें ये स्टेप करेंगे, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम, राइट क्लिक किया ये आपको शो होने लगा. क्लिक द अनपिन द प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार ऑप्शन. ठीक है, अब इसको आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा, यू कैन ऑल्सो रिमूव एनी प्रोग्राम फ्रॉम अ टास्क बार फाइव फ्रॉनिंग द स्टेप्स इन पिक्चर. फिर आप इसमें से इसको खत्म कर देंगे टास्क बार में से. फिर आप दोबारा से स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और उसको ओपन करेंगे. ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज द पोजिशन ऑफ टास्क बार ऑन अ डेस्कटॉप. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द कंप्यूटर लैब. जब आप अपने घर में इस कंप्यूटर, अभी लैब में तो जा नहीं सकते, घर में अपने कंप्यूटर पर इस एक्टिविटी को कीजिएगा. जिस तरीके से ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से इस एक्टिविटी को करके आप देखेंगे. ठीक है, टास्क बार की पोजीशन को चेंज कर देंगे. यहाँ पे टास्क बार शो होने के बजाय यहाँ पर शो होने लगेगी. ठीक है, इस जगह यहाँ पर तो आपका यहाँ पर जो है एक्टिविटी जब करेंगे तो मुझे स्कूल आकर, जब आप स्कूल आएंगे तो लाजमी बताएंगे. ठीक है, आई होप आपको ये विंडो 7 के बारे में कुछ समझ आ गई होगी. तो अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया है. थैंक यू स्टूडेंट्स.